होगा ना। सबसे पहले हमें चेहरे को अच्छे से क्लीन करना होता है, तो इस क्लीनिंग प्रोसेस के लिए हमें एसीटोन या अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। रेगुलर अल्कोहल भी इस प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है। इससे क्या हो जाता है कि जो चेहरे की ग्रीज होता है, ऑयल होता है, डस्ट पॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो सब हट जाते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें नॉर्मल सलाइन से क्लीनिंग करनी होती है कि जिससे चेहरे के जितने भी डर्ट हैं, ग्रीज हैं, वो पूरी तरह से साफ हो जाए। फिर ड्राई गॉज से हमें क्लीन कर लेना होता है। ड्राई गॉज से हमें इसकी क्लीनिंग कर लेनी है, उसके बाद ही हम पील लगा सकते हैं। कॉटन ईयरबड से पील की एक पतली लेयर, बहुत ही थिन लेयर हमें पूरे फेस पे लगानी होती है, सिंगल कोटिंग। जहां पर थिक एरियाज हो वहां पर दो कोटिंग लगाई जा सकती है। ये जो पील है इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड 35% पील, और ये पील चेहरे पे काले निशान को खत्म करने के लिए, इसके अलावा चेहरे पे ग्लो लाने के लिए भी की जाती है। ये हमारे स्किन के ऊपरी सतह को हटा देती है जिससे चेहरे पे एक चमक और जो काले निशान होते हैं वो सारे हट जाते हैं। इसे यूजुअली 3 से 6 सेशन करने पड़ते हैं 2 हफ्ते के गैप पे। एक पतली लेयर मैंने सभी जगह पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया। इस पील को लगाने पे थोड़ी सी चुनचुनाहट या एबनॉर्मल स्टिंगिंग सेंसेशन फेस पे होती है। इसे मैं पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया इवेनली, जिससे कि एक लेयर पूरे फेस पे कवर हो गई। पील को न्यूट्रलाइजर से न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये न्यूट्रलाइजर पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेना होता है इवेनली। पील हमारी न्यूट्रलाइज हो गई। इसके बाद हम सिंपल वाटर से फेस को वॉश कर लेंगे। पील के दौरान 2-3 सावधानियां बहुत ही जरूरी होती हैं, जैसे धूप से बचना, सनस्क्रीन यूज करना या अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्रीम रेगुलर यूज करना। ये सब बहुत ही जरूरी सावधानियां हैं जिससे कि बिल्कुल अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके।